अश्नीर ग्रोवर को तो आप जानते ही होंगे, उनका एक डायलॉग मीम के रूप में बड़ा फेमस है जिसमें वो कहते हैं, अभी तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। आज खबर अश्नीर ग्रोवर से जुड़ी तो नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का दोगलापन जरूर बताती है। वामपंथी दलों ने फैसला किया है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव भारत आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। आप खुद ही सुनिए सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं। हाँ, ये निर्णय लिया गया वामपंथी पार्टियों की तरफ से कि जब अमेरिका के यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जब दोनों यहाँ पे आएंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमेरिका जिस तरीके से समर्थन दे रही है, ये जो नरसंहार फिलिस्तीनियों का जो कर रही है इसराइल, उसको पूरा जो समर्थन दे रही है उसको बंद करे अमेरिका। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे वामपंथी अचानक कहां से हमास और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध के परिदृश्य बैकग्राउंड में आ गए। क्या ऐसा हुआ होगा कि रात को सीताराम येचुरी को सपना आता है और कोई ईश्वरीय शक्ति जिसमें वे विश्वास ना करने का दिखावा करते हैं येचुरी को मानवता का दूत बना देती है, और अगले ही दिन वे आकर घोषणा करते हैं कि पूरे देश में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सपने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन ह्यूमैनिटी से, इन लेफ्ट पार्टीज का कोई लेना देना ही नहीं रहा है। ये मर से मानवता नहीं, मर से मार्क्सवाद पढ़ने वाले लोग हैं, इतिहास तो यही कहता है। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तब भारत के वामपंथियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम चीन के राष्ट्रपति या मंत्रियों को भारत नहीं आने देंगे या वे आए तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब इन्होंने नहीं कहा कि भाईचारे के लिए प्रसिद्ध भारत पर इस चीनी आक्रमण की ये निंदा करेंगे। इन्होंने तब देश तो जाने दें, आज के कोलकाता और तब के कलकत्ता में एक नारा तक नहीं लगाया। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया तब भी इन्होंने चीन की आलोचना नहीं की। अच्छा, ये तो 60 साल पहले की बात है। अभी 3 वर्ष पहले चीनी सेना ने जब सीमा पर बवाल किया तब भी इन्होंने चीन की आलोचना नहीं की। भारत पर हुए तमाम आतंकवादी हमलों के बाद भी वामपंथियों ने कभी पाकिस्तान के मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। 26/11 जैसे आक्रमण के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान से आए नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्या भारत पर हुआ हमला आतंकवाद नहीं था? इनके आचरण को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के मंत्रियों की विचारधारा भारत के वामपंथियों को अधिक पसंद आती है और चीन की? खैर, चीन तो भारत के वामपंथियों का पहला घर माना जाता है, तभी तो कभी चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोला जाता। प्रदर्शन तो दूर की बात है, चीन अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ निम्न स्तर की कार्रवाई किए जा रहा है, लेकिन मानवाधिकार के उल्लंघन के नाम पर वामपंथियों ने कभी चीन के विदेश मंत्री का विरोध नहीं किया। यही है दोगलापन। असल में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस विचारधारा को दुनिया खारिज कर चुकी है, भारत के वामपंथी दल अभी भी उस विचारधारा की रक्षा के लिए प्रोपेगेंडा और दोगलापन दोनों किए जा रहे हैं। हाँ, कभी वोट की तलाश में तो कभी अस्तित्व की रक्षा में अमेरिका का विरोध प्रदर्शन इनका एकमात्र हथियार रह गया है। धन्यवाद।